हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर स्टैटिस्टिक्स सीरीज में। जी हाँ, आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स के हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये तो नहीं पता कि आपके एग्जाम्स तक मैं कितने चैप्टर कवर कर पाऊंगा, लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि हर एक चीज को थोड़ा बहुत तो टच कर ही पाऊँ। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले मैं बेस समझा दूँ ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है। देखिए, हर एक चीज़ की सप्लाई होती है और डिमांड होती है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सप्लाई और डिमांड मीट हो सके कम से कम कॉस्ट में। तो ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है वो यही फोकस करता है कि कैसे कम से कम कॉस्ट में सप्लाई और डिमांड को मीट कर सके। उसी के बेसिस पे अलग अलग मेथड्स हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एक मेथड का नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो एग्जाम में लीस्ट कॉस्ट बोले या मैट्रिक्स मिनिमा बोले, दोनों एक ही होती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो हम लोग समझते हैं पहला सब। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक तो अवेलेबिलिटी दिया हुआ है, एक रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। अवेलेबिलिटी को मैंने एस नाम दे दिया, डेट इज सप्लाई, और रिक्वायरमेंट को हमने दे दिया डिमांड, डी नाम दे दिया डिमांड। तो ये जो है वो सप्लाई का कॉलम है, ये जो है डिमांड का कॉलम है। कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देख लेने का सप्लाई और डिमांड का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, तो उसको बैलेंस्ड सम बोलते हैं। अगर सेम नहीं होता तो उसको अनबैलेंस सम बोलते हैं, तब हमको डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ता है। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं इसका टोटल भी आ रहा है 22 और अवेलेबिलिटी दैट इज सप्लाई का टोटल भी आ रहा है 22। तो इसका मतलब ये जो सम है ये बैलेंस सम है, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होता तो क्या करना पड़ता, ऐसा एक सम में एक और वीडियो में ले लूँगा। अभी फिलहाल ये बैलेंस सम है, उसको कैसे करना है सॉल्व वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में ये जो मैट्रिक्स दिख रही है अंदर की, सप्लाई डिमांड नहीं देखना है हमको, ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढना है। अगर आप सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढते हैं इसके अंदर तो आपको दो दिखेंगे, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा छोटे एलिमेंट होंगे, तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो दोनों में से जब एक से ज़्यादा 2 होते हैं या एक से ज़्यादा छोटे एलिमेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसके ऊपर मैक्सिमम एलोकेशन जा रहा है। जैसे अगर ये वाला 2 लेता हूँ तो इसकी डिमांड है 2, इस ये जो 2 है इसकी डिमांड कितनी है 2 और इसकी सप्लाई कितनी है 9। तो डिमांड जब 2 है, सप्लाई 9 है, तो हम लोग इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो इसके ऊपर क्या एलोकेट होगा, 2। अगर मैं ये वाला 2 लेता हूँ तो इसकी डिमांड है 4 और सप्लाई है 9, तो इसके ऊपर क्या एलोकेट होगा, 4। यहाँ पे 2 एलोकेट हो रहा है, यहाँ पे 4 एलोकेट हो रहा है, तो ज़्यादा बड़ा एलोकेशन किस में हो रहा है, 4 में, तो वो लेने का। कहने का मतलब यह है जब भी टाई होगी तो हम लोग ये देखेंगे कि किस 2 के ऊपर या किस छोटे एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा बड़ा एलोकेशन हो रहा है। इस 2 के ऊपर 2 एलोकेट हो रहा था, इस 2 के ऊपर 4 एलोकेट हो रहा था, तो मैं 4 वाला ले लूँगा। तो हम लोग कौन सा 2 लेंगे, ये वाला 2 लेंगे, तो क्या करूँगा मैं इसके ऊपर लिख दूंगा मैं 4, यहाँ से 5 बचा, क्यों, क्योंकि 9 - 4 5 होता है और ये 4 पूरा खत्म हो गया तो ये 0 हो गया। अब देखने का कि रो 0 हुई है, कॉलम 0 हुई है, इस केस में कॉलम 0 हुआ है, तो जैसे ही कॉलम 0 हुआ तो वो पूरा का पूरा कॉलम को कट कर देने का या हटा देने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे कॉलम को हटा रहा हूँ, तो इस तरह से कट करना है कि हमारे नंबर्स ना कटे लेकिन पूरा कॉलम कट जाए। अगर रो 0 हुआ होता, अगर ये 0 हुआ होता तो मैं ये पूरा रो काट देता, लेकिन फिलहाल हमारा कॉलम 0 हुआ है इसलिए हमने पूरी कॉलम को कट कर दिया। इजी है। अब वापस से देखने का कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो वापस अगर देखोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, इस बार एक ही 2 है, कोई टाई है नहीं, तो बस अब सोचना ही नहीं है। इस 2 के ऊपर क्या जाएगा, डिमांड है 2 की, सप्लाई है 5 का, तो जो छोटा होता है वो एलोकेट करना पड़ता है, तो डिमांड लिख दिया मैंने 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2, ये हो गया 0, 5 - 2 यहाँ पे बचा 3। वापस से आपका कॉलम 0 हुआ इसलिए पूरी की पूरी कॉलम मैं कट कर दूंगा, तो कट कर देता हूँ, देखिए ये मैंने पूरी की पूरी कॉलम कट कर दी। इजी। अब बाकी के पूरे, अब वापस से पूरे मैट्रिक्स में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको सबसे छोटा एलिमेंट दिख रहा है 3, कौन सा 3, और एक ही 3 है इसलिए कोई टाई नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। इस 3 के ऊपर डिमांड है 4 और सप्लाई है 6, तो कौन सा जाएगा, 4, क्योंकि डिमांड ही 4 की है, तो सप्लाई 6 करके करूँगा क्या, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4, यहाँ पे मैंने एलोकेट कर दिया 4, ये हो गया 0 और यहाँ पे बचा 2। जैसे ही वापस से देखेंगे तो आपका कॉलम 0 हुआ इसलिए पूरी कॉलम काटनी पड़ेगी, तो मैं पूरी कॉलम काट देता हूँ।
ये पूरी कॉलम मैंने कट कर दी। अब वापस से देखेंगे कि जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। अगर सबसे छोटा एलिमेंट मैं ढूंढने जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है 5। ये 5 भी था लेकिन ये 5 कट चुका, तो वो दिखने का नहीं कि ये 5 बचा हुआ है इसको कट करेंगे। इस 5 पे क्या एलोकेट हो रहा है, ये भी 2 है, डिमांड भी 2 है, सप्लाई भी 2 है, तो 2 ही एलोकेट होगा। तो मैं एलोकेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0। अगर आप देख रहे हैं तो डिमांड, ये सप्लाई भी 0 हो चुकी है और डिमांड भी 0 हो चुकी है, मतलब यूं भी काटना पड़ेगा और यूं भी काटना पड़ेगा। तो मैं काट देता हूँ, ये पूरी कॉलम मैंने काट दी और इन द सेम वे मैंने इस रो को भी काट दिया। इजी। अब देखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, जो बचे कौन से एलिमेंट वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 एलिमेंट बचे हैं, इसमें सबसे छोटे 2 एलिमेंट है, ये दोनों 6 एलिमेंट सबसे छोटे एलिमेंट हैं। अब देखते हैं वापस टाई हुई तो कौन से 6 के ऊपर ज़्यादा बड़ा एलोकेशन हो रहा है। अगर मैं ये 6 लेता हूँ तो इसके ऊपर जाएगा, डिमांड है 4 की और सप्लाई है 3 का, तो 3 जाएगा, क्या जाएगा इसके ऊपर, 3। और अगर मैं ये 6 लेता हूँ तो इसके ऊपर डिमांड है 4 की, सप्लाई है 2 का, तो ये इसके ऊपर क्या जाएगा एलोकेशन, 2 जाएगा। 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3, तो मैं ये वाला 6 ले लूँगा, सिंपल है। तो मैं ले लूँगा 6, ये वाला, इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3, ये हो गया 0, यहाँ पे बचा 1। इस बार रो 0 हुई है, इस बार क्या रो 0 हुई है, इसलिए पूरे रो को काटना पड़ेगा, तो मैं काट देता हूँ। ये मैंने पूरे रो को काट दिया, क्लियर है, बाकी सब तो एलिमेंट कटे हुए थे। अब बचता है देखते हैं कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो ये 6 है, ये 9 है, 9 है और 9 है, तो सबसे छोटा एलिमेंट 6 है, इसमें तो कोई टाई है नहीं, तो ये 6 के ऊपर क्या एलोकेट होगा, ये 1 लिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, तो 1 एलोकेट होगा, तो मैंने 1 एलोकेट कर दिया, ये हो गया 0, यहाँ पे बचा 1। वापस से कॉलम 0 हुआ है तो मैं पूरे कॉलम को कट कर देता हूँ, इजी। अब बचे 2 एलिमेंट, ये भी 9, ये भी 9, अब देखते हैं कौन से 9 के ऊपर एलोकेशन ज्यादा होता है। अगर मैं ये वाला 9 लेता हूं तो इसके ऊपर सप्लाई है 1 की और डिमांड है 6 की, तो 1 जाएगा। अगर मैं ये वाला 9 लेता हूं तो इसके ऊपर सप्लाई है 5 की और डिमांड है 6 की, तो 5 जाएगा, 5 बड़ा है 1 से, तो मैं ये वाला 9 ले लूंगा। तो मैंने ये 9 ले लिया, इसके ऊपर सप्लाई गया 5 का, ये हो गया 0, यहां पे बचा 1। रो 0 हुआ तो पूरी रो कट कर देता हूँ, रो में एक ही एलिमेंट बचा हुआ है। अब लास्ट बचा है ये वाला 9, इसके ऊपर सप्लाई भी 1 है, डिमांड भी 1 है, तो मैं क्या करूँगा, 1 लिख दूंगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया, मतलब आप सही जा रहे हैं और ये एलिमेंट भी कट चुका है, क्लियर है। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, आपका आंसर ऐसा बनेगा, देखिए इसको बोलेंगे IBFS, दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या, IBFS, दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ऐसे ही बोला था, फाइंड IBFS बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो आपका आंसर कैसा होगा, ये देखिए, ये है 9 × 5, तो मैं लिख दूंगा 9 × 5, बीच में प्लस, इसके बाद एलोकेटेड सेल था ये रहा 4 × 3, तो मैं लिख दूंगा 4 × 3 प्लस, इसके बाद एलोकेटेड सेल था ये 5 × 2, तो मैं लिख दूंगा 5 × 2 प्लस, इसके बाद एलोकेटेड सेल था 6 × 1, तो मैं लिख दूंगा 6 × 1 प्लस, इसके बाद एलोकेटेड सेल था 1 × 9, तो मैं लिख दूंगा 1 × 9 प्लस, इसके बाद एलोकेटेड सेल था 6 × 3, तो मैं लिख दूंगा 6 × 3 प्लस, इसके बाद एलोकेटेड सेल था 2 × 2 और लास्ट में 2 × 4, तो वो भी लिख दिया 2 × 2 और 2 × 4। अब इसको प्लस कर दूंगा, 9 × 5 = 45 प्लस 12 + 10 + 6 + 9 + 18 + 4 + 8 करूंगा तो आ जाएगा 112। ये आपका आंसर है, तो हमको 112 आंसर फाइंड करना था, तो हमारा IBFS आ चुका है 112। इजी, एकदम इजी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।